व्हील को घुमाता हूँ, व्हील मैंने घुमाया और मीटर सुई पे ध्यान दो, देखो इतना ज्यादा ये हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट क्यों कर रही है, इतना ज्यादा हिल क्यों रही है, आगे देखते हैं, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, इसे सही कैसे करना है वो बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो आज मेरे पास हीरो की स्प्लेंडर प्लस i3s BS4 बाइक है और इस बाइक में स्पीड मीटर की सुई से लेके प्रॉब्लम है। ये जो मीटर की सुई है, जब हम बाइक को चलाते हैं तो मीटर की सुई बहुत ज़्यादा हिलती है। पहले तो ये चीज़ मैं चेक करवा देता हूँ आप लोगों को। व्हील जो है, व्हील को हम घुमाते हैं, ये मैंने व्हील को घुमाया और मीटर की सुई पे ध्यान दो आप लोग, इतना ज़्यादा ये वाइब्रेट कर रही है, नहीं करनी चाहिए, इसे बिल्कुल आराम से ऊपर जानी चाहिए और बिल्कुल आराम से नीचे आनी चाहिए। तो ये चीज़ सही करेंगे, देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, इतना ज़्यादा ये वाइब्रेट क्यों कर रही है, हिल क्यों रही है, ये चीज़ को चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए एक स्क्रू ड्रायर लेना है, स्क्रू ड्रायर से इस वाली केबल को यहाँ से लॉक से बाहर निकालना है। तो इसे लॉक से दबा के बाहर निकाल दिया। अब जो इनर लगी हुई, इस इनर को खींच के देखते हैं, इस इनर में प्रॉब्लम कोई है तो नहीं, या तो कहीं से टूटी या जंग लगा हो, कटने वाली हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। तो वायर जो है बिल्कुल सही है, वायर कहीं से भी क्रैक नहीं हुई है, टूटी नहीं है। अब इसका जो गियर है, गियर को चेक कर लेते हैं। चलो व्हील को घुमाते हैं और गियर को चेक करते हैं। गियर तो प्रॉपर घूम रहा है, ये देखो, देखो प्रॉपर घूम रहा है ये। अगर यहाँ से कमी होती, अगर गियर से कमी होती, जैसे कि व्हील घूम रहा है, आधे पे ये रुक जाता, आधे पे चलता, इस तरीके से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो गियर है, गियर बिल्कुल सही है, गियर में कोई भी कमी नहीं है। एक तरीके से ये चेक कर सकते हैं गियर को। और अब जो है दूसरा तरीका इसे चेक करने का, वायर जो है, वायर को ले लेना है, पुरानी वाली वायर को, और इसमें फंसा देना है। इस तरीके से गियर में फंसा के व्हील घुमाओगे तो ये मालूम पड़ेगा ये कहीं पर फंस नहीं रही है, वायर प्रॉपर घूम रही है। तो हमारा जो गियर है कंप्लीट है, इस केबल में ही प्रॉब्लम है। केबल के लिए हमको इसका जो वाइजर है, वाइजर खोलना पड़ेगा। तो चलो वाइजर को खोल लेते हैं। ये मैंने वाइजर खोल लिया है। अब जो इसकी केबल यहाँ पे लगी हुई है मीटर में, इसे यहाँ से बोल्ट को खोल के केबल को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे टेप लगा हुआ है, ये देखो। अब ये टेप को निकालता हूँ और केबल को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे जो टेप लगा था, आप लोगों को वो चीज़ दिखाता हूँ। ये जो रबर होती है, अंगूठी रबर इसको बोलते हैं, ये रबर अच्छी है, यहाँ का होल बड़ा हो जाता है, इस वजह से ये रबर मरगार्ड में नहीं रुकती है। तो इसका भी परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगा क्या करना है कि रबर हमेशा लगी रहे और निकले नहीं, उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगा। पहले मीटर पे काम कर रहे थे तो मीटर पे ध्यान देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो इसकी इनर है, ये वाली इनर, इसमें लगा के देखता हूँ इनर बड़ी तो नहीं है। अगर इनर बड़ी होगी तो जो सुई है वो वाइब्रेट करेगी। इतनी हमारी मान लो ये निकली रहती है बाहर, है ना, इतनी तो बाहर निकली रहती है। अब इस साइड में देख लेते हैं कितनी निकलती है, यहाँ पे इसे, ये यहाँ पे, चलो ये सही, इतनी बाहर निकलती है, इतनी ये बाहर रहती है, थोड़ा सा इसे और अंदर रहना चाहिए, ज़्यादा भी है और अंदर रहना चाहिए। और इस साइड में देखते हैं तो इतनी बड़ी है ये, देखो। हमको मालूम पड़ गया ये चीज़ की जो कमी है, इनर में ही कमी है, जो केबल में कमी नहीं है, केबल बिल्कुल सही है, केबल कहीं से कटी फटी भी नहीं है। जो प्रॉब्लम इसके इनर में है, तो इनर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बड़ी होने की वजह से मीटर की सुई हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो इसमें हम लेते हैं एक इनर लेते हैं, देखते हैं इससे छोटी इनर मिल जाए तो, चलो कोशिश करते हैं। अभी मैंने 4-5 इनर चेक किया, इसमें एक ही इनर मुझे सबसे छोटी मिली। 4-5 इनर मैंने देख लिया है लगा लगा के, मतलब मैच करा करा के, कोई भी इनर इसमें सब बड़ी थी, एक ही इनर है जो इनर है मीटर की, वो छोटी मिली है। तो इसे मैं लगा के देख, इसमें मैच करा लेते हैं। ये देखो, ये मैंने मैच करा, तो इसमें जो थोड़ी से इतनी छोटी बड़ी है, इधर से थोड़ा सा और दबाएंगे तो इतनी छोटी बड़ी है, ये देखो। चलो एक बार वापस से यहाँ से मिलाते हैं, पकड़ते हैं इसे और इसे खींच के लेके जाते हैं एंड तक, ये यहाँ तक। अब जो नई वाली है वो छोटी है, देखो जो नई वाली है वो छोटी है, और ज़्यादा फर्क नहीं है, हल्की सी छोटी है, ये नई है और ये पुरानी है, ये नई है, तो ये हल्की सी छोटी है। तो नई वाली को लगा के चेक करते हैं, इतनी सा फर्क है दोनों में। बाकी मुझे तो ये लग रहा है कि जो इसमें प्रॉब्लम थी सुई हिलने की, वो सॉल्व हो जाएगी नई मीटर इनर से।
किस बाइक की मीटर इनर है आगे आगे आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं इस वाली जो नई वाली इनर है इसे लगा के चेक कर लेता हूँ ये कितनी निकल रही है। केबल में मैंने ऑयलिंग कर लिया है, ऑयलिंग करना ज़रूरी है। अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे केबल के अंदर तो जो जंग लगा हुआ है केबल में पहले से वो इस वाली वायर को काट देगा। इतनी हमारी ये निकलेगी इस साइड से, और इस साइड से देख लेते हैं तो ये इतनी निकल रही है, तो बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग निकल रही है। वो वाली काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा निकल जाती थी, जो पुरानी वाली थी वो ज़्यादा निकल रही थी। जो मैंने इसमें इनर डाला है वो सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर, स्प्लेंडर प्लस, ये सारी बाइकों का डाला है। चार पांच इनर मैंने इसमें लगाया, एचएफ डिलक्स का लगाया, काफ़ी जो जो गाड़ी है उनका चेक किया था, चार पांच इनर लगा के देखा था, सब बड़ी थी। अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, ये जो यहाँ से निकल जाती है रबर, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते। ये रबर है मेरे पास, देखो अंगूठी रबर, और ये है ड्रीम योगा। ड्रीम योगा की ड्रीम नियो में भी लगी होती, ड्रीम योगा की रबर ले लेना है और इसे पीछे से लगाना है। पीछे से लगाओगे, पीछे से लगाओगे, पीछे से लगा के इसे खींच लोगे तो ये जो रबर है मैं लगा रहा हूँ ये कभी बाहर की तरफ जो निकल के आ जाती है वो नहीं निकलेगी, ये परमानेंट हो जाएगी। परमानेंट कितना भी खींचे बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि इसके जो पीछे वाइसर टाइप में बड़ा है, होल से काफ़ी बड़ा है, तो ये निकलेगी नहीं। रबर को कितना भी खींचो ये निकलने वाली नहीं है, बिल्कुल फिक्स हो गई है। तो ड्रीम योगा की रबर ले लेना, अगर प्रॉब्लम करती है बार बार निकल जाती है तो उसे लगा लोगे तो ये इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम इसकी जो केबल है केबल को लगाते हैं, पहले यहाँ पे फंसाते हैं और उसके बाद ऊपर मीटर में फंसाते हैं। पहले इसको फंसाने के लिए केबल को बाहर निकाल लेना, इनर को पहले फंसा देना और बाद में केबल को अंदर करके लॉक कर देना है। ये हो गया, अब चलो ऊपर लगा लेते हैं इसे। इतना निकल रहा, देखो 100% काम करेगी, जो वाइब्रेट कर रही थी सुई वो नहीं करेगी। केबल को नीचे ऊपर दोनों तरफ से टाइट कर दिया है, ये देखो इधर भी टाइट कर दिया और नीचे भी हमने फंसा दिया, प्रॉपर केबल हमारी फंस चुकी है। ये वाली जो ब्रेक की केबल इसे मैं बाद में खोल के इसके अंदर से ले लूँगा। अभी मैं इसका जो व्हील है व्हील को घुमाता हूँ और मीटर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैंने व्हील घुमाया और मीटर की सुई पर ध्यान दो। अब देखो जो वाइब्रेट कर रही थी अब वो वाइब्रेशन इसमें से चला गया, ख़त्म हो चुका है। जो सुई ज़्यादा हिल रही थी वो अब नहीं हिल रही, एक जैसी ऊपर जा रही है उसी जैसी नीचे चली जा नीचे आ रही है। देखो जैसे ऊपर जा रही बिल्कुल आराम से, उसी तरीके से आराम से बिल्कुल नीचे आ रही है। पहले ये पूरी हिलती थी, आप लोगों ने देखा था शुरुआत में, मैंने आप लोगों को दिखाया था ये वाइब्रेटन वाइब्रेट बहुत ज़्यादा कर रही थी और बहुत ज़्यादा सुई हिल रही थी। बाकी जो इसकी प्रॉब्लम थी सुई हिलने की वो सॉल्व हो गई है। तो इस तरीके से अगर सुई हिलती है मीटर की तो आप लोग ये चीज़ चेंज कर सकते हो, मीटर इनर छोटी बड़ी लगा सकते हो, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो चलो ये वीडियो करते हैं एंड। वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और बेस्ट वीडियो के साथ।